सो हेलो इंडियन एनिमी फैन कैसे तुम लोग आए तुम लोग वेल एंड गुड होंगे अब इस साल का बेस्ट एनिमी मूवी रिलीज हुआ है जापानीज थिएटर पर और तुम लोगों को बताया कि मैं कौन सी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ हाँ मैं बात कर रहा हूँ सुजु मेनो तो जी की। जैसा फीफा वर्ल्ड कप चार साल के बाद आया है वैसा ही माकोटो माकाउट तीन साल के बाद रिटर्न हुए एकदम लाजवाब एनिमी मूवी लेकर जिसका हाइप बहुत किया था और हाइप जैसा ही ये जापानीज सिनेमा और थिएटर में रिकॉर्ड तोड़ रहा है जब माकोटो शेंका को एक मूवी लेकर आता है तो ऑब्वियसली उसका रिकॉर्ड तोड़ने का चांस तो हंड्रेड परसेंट है आज तक माकोटो शेंकाई द्वारा बनाया हुआ मूवी हर एक मूवी का अगर हम पिक करें तो सब टॉप नो से जैसे कि आइकोनिक एनिमे मूवी योर नेम वेदरिंग विथ यू द गार्डन ऑफ द वर्ड्स फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड एक्सेट्रा जिस चीज़ ने माकोटो शेंकाई का एनिमे मूवी देखा है तुम सब लोगों को बताए कि माकोटो शेंकाई का एनिमे डायरेक्शन कितना अच्छा है जो एनिमे मूवी डायरेक्ट करता है उसका कॉन्सेप्ट प्लॉट स्टोरी कैरेक्टर एंड विजुअल बहुत टॉप नोच होता है इस तरह हाल ही में रिलीज हुआ सुजुमिनो एनी मूवी का एनिमेशन विजुअल स्टोरी एंड प्लॉट एकदम मौसम है और म्यूजिक तो मैं भुला नहीं हूँ क्योंकि जो म्यूजिक हमारा मोकुट सें यूज करता है वो तो हमेशा गॉड लेवल ही होता है जो म्यूजिक हम लोगों को पसंद आया था योर नेम पर वेदरिंग विदर पर उससे भी अच्छा म्यूजिक इस एनी मूवी पर यूज किया गया है तुम लोग सुन ही सकते हो म्यूजिक सुन लिया तो म्यूजिक कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना ठीक है अब तुम लोगों को मैं बिना स्पॉइलर देखे इस, दे इस मूवी का कॉन्सेप्ट एंड थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा ताकि तुम्हें जब तुम थिएटर में जाकर देखो तो तुम्हें समझने में थोड़ा हेल्प होगा तो सुजुमे सुजुमेन तो मेरे का जो मेन कैरेक्टर का के नाम है उसका नाम होता है सुजुमे जो कि एक सत्तर साल की लड़की होती है तो एक दिन एक बंदे से मिलता है जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है और वो पुराने पुराने जगह पर जाकर दरवाजे को ढूंढ रहा होता है और वो दोनों मिल मिलकर दरवाजे को ढूंढने लगते हैं और अंत में वो लोग एक ऐसा दरवाजा खोलते हैं जिसे उसे खोलना नहीं चाहिए तो दरवाजे के पीछे क्या है वो आर्कियोलॉजिस्ट का मकसद क्या है और ये मूवी का मिस्ट्री है वो तो हमको मूवी देखकर ही पता चलेगा तो आर यू एक्साइटेड फॉर द मूवी मेरे बात करो तो एस आई एम अगर तुम लोग ये मूवी थिएटर पर जाकर देखने के लिए प्लान कर रहे हो तो साथ में एक रुमाल लेकर जरूर जाना तुम लोग को पता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ आयो मैंने तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ने क्यूरियसिटी को जगाया होगा और मैंने अभी तक स्पॉइलर नहीं दिया है सो डोंट बी एंग्री जापान में ये मूवी तेल का मचा रहा है तो देखते हैं इंडिया में कैसा परफॉर्म करेगा ठीक है आज के लिए ये तय था मेरा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो और हाँ तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो ठीक है तुम्हारा बहुत सारा सपोर्ट चाहिए बहुत न्यू चैनल है तुम लोग को पता ही है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे चिल बाय बाय टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग